नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे, जहां मैं आपके साथ बहुत सारे ट्रिप्स एंड टिप्स शेयर करती हूं किचन की, गार्डनिंग की और ब्यूटी की। मैं अपनी इस ब्यूटी सीरीज़ में आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूं, और वो है पिंपल्स का। टीनेज होती है ना, कितनी अच्छी होती है, कितनी सारी उमंगें होती हैं, जब दिल जो है एकदम खुशियों से झूम रहा होता है और बहुत सारी मस्तियां करना चाहते हैं, बहुत सारी पर होता है, अचानक से हमारी ज़िंदगी में उस समय पिंपल की समस्या आ जाती है। ऐसे ही टाइम पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और पिंपल्स जो हैं वो अपनी जगह हमारी ज़िंदगी में बना लेते हैं। तो ये पिंपल्स कैसे दिखाई देते हैं? इस तरीके से दिखाई देते हैं, किसी के एक निकलता है, किसी के दो निकलते हैं और किसी के बहुत सारे निकलते हैं। ये देखिए इस पिक में, यहाँ पर भी एक पिंपल आया है, बहुत ही रेडनेस होती है इसमें, थोड़ा सा पेन भी होता है इसमें, और मन करता है कि बस इसको निकाल करके फेंक दे, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जब इस समय ये पिंपल्स आने लगते हैं तब हम अंदर से भी काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, काफ़ी निराश हो जाते हैं कि आखिर इनको कैसे ट्रीट करें। मैंने खुद ने बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करी हैं जो कि मुझे पिंपल से काफ़ी हद तक के राहत दिलाती थी, वो भी मैं कभी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इस समय मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ जिसने एक्चुअली मुझे इफ़ेक्टिव रिलीफ प्रदान किया है। मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है और ऑयली स्किन में पिंपल्स की समस्या बहुत ही आम है, बहुत ज़्यादा इसमें पिंपल्स की समस्या रहती है। तो वैसे तो आपका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप इसको मुंह को अपने बार बार पानी से धोते रहिए। एक्चुअली पिंपल्स होते हैं जब हमारी बॉडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए तब हमारे फेस पे पिंपल्स निकलते हैं। तो ये एक्चुअली होते नेचुरल हैं, इनसे कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सबके साथ होते हैं। इनफैक्ट मैंने बॉयज़ के फेस पे भी बहुत सारे पिंपल्स देखे हैं जो टीनेज बॉयज़ होते हैं। तो आपको इनको इस तरीके से बिल्कुल दबाना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्क्वीज़ नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताती हूँ जो मैं बरसों से इस्तेमाल कर रही हूँ और जिसने मुझे काफ़ी रिलीफ दिया है, वो है ये एस्ट्रीजेंट। हर्बल रेस्ट्रीजेंट है और ये अयूर का ही एस्ट्रीजेंट मैं हमेशा से लेती आई हूँ। इसने मुझे हमेशा फ़ायदा किया है और पिंपल को एक से दो दिन में ही एकदम फिनिश करके बहुत अच्छी स्किन मुझे दी है। पर हाँ, हमें इसके ओवर यूज़ से बचना चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि ये आप हर्बल जो एस्ट्रीजेंट है अयूर का, इसका इस्तेमाल अपने फेस पे आपको कैसा करना है। इसके लिए मैंने अपने फेस पे पिंपल आने का वेट किया तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इंतज़ार किया है ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो ये जो पिंपल निकला है ये देखिए इस तरीके से होता है, ये थोड़ा सा रेडनेस होगी आपको, इसमें थोड़ा सा पेन होगा, आप इसको टच करें या ना करें। तो क्या करना है हमें, ये एक एस्ट्रीजेंट है जो इस्तेमाल करना है, ये अयूर का एस्ट्रीजेंट अच्छा रहता है इसमें इस्तेमाल करने के लिए। इसको लेना है इस तरीके से, रुई ले लीजिए, रुई में इसको थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है। और इसको क्या करना है, इस तरीके से ले करके ये जो आपकी पिंपल वाली जगह है खाली उस जगह पे इसको यहाँ पे रखना है और अच्छे से इसको थोड़ा सा पिंपल को दबा करके निकालना है। उसके आसपास की जगह को भी आप चाहो तो इस तरीके से साफ कर सकते हैं, बस इस तरीके से थोड़ा सा दबा देंगे अच्छे से, एस्ट्रीजेंट उस पर लग जाए। तो इससे क्या होगा, आपका पिंपल जो है वो वहाँ से, और पूरे फेस में इसको नहीं दोहराना है, ये याद रखिएगा कि पूरे फेस में नहीं लगाना है यही एस्ट्रीजेंट। बस हम इस रुई को डिस्कार्ड कर देंगे, खाली पिंपल वाली जगह पर लगाए और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यकीन मानिए एक ही दिन में आपको अपने पिंपल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा दब जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से आपको एस्ट्रीजेंट यूज़ करना है। इस तरीके से आप यूज़ करके अच्छी क्लियर स्किन पा सकते हैं, पिंपल की समस्या से काफ़ी हद तक आप निदान भी पा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ओवर यूसेज से बचना होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ इसके अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा केमिकल तो होता ही है। लेकिन आप इसको जब चाहे तब इस्तेमाल करिए, रात में लगा के सो जाइए, सुबह तक आपके पिंपल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, आपका पेन भी कम होगा और रेडनेस भी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे ताकि मैं आपके साथ ऐसी और बहुत सारी जानकारियाँ शेयर कर सकूँ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो